नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। डॉक्टर हाथी का किरदार अदा करने वाले एक्टर कवि कुमार आजाद के निधन से तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स को बड़ा धक्का लगा है। डॉक्टर हाथी के किरदार की पॉपुलैरिटी देखते हुए ही शो मेकर्स ने इस किरदार को जारी रखने का फैसला किया और उन्हें अब इसका रिप्लेसमेंट भी मिल गया है। एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक तारक मेहता के शो को नए डॉक्टर हाथी मिलने की चर्चा है। जैसा कि शो के प्रोड्यूसर असद मोदी ने कहा भी था कि वो डॉक्टर हाथी के निधन से बेहद दुखी है, लेकिन वो उनके मशहूर किरदार को जारी रखना चाहते हैं। सूत्रों ने कहा है कि डॉक्टर हाथी इस शो के चहेते किरदार थे और कवि कुमार जैसा होनहार कलाकार की तलाश थोड़ी मुश्किल, इसलिए प्रोड्यूसर असद मोदी खुद रिप्लेसमेंट प्रोसेस का हिस्सा बने हुए हैं और उन्होंने जैसे ही मेकर्स को डॉक्टर हाथी के रोल के लिए नया चेहरा मिलेगा इसकी घोषणा जरूर होगी। हालांकि शो से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया है कि इस किरदार के लिए हो सकता है कि एक्टर निर्मल सोनी को चुना जाए, क्योंकि कवि कुमार से पहले इस किरदार को निर्मल सोनी ही प्ले किया करते थे। साल 2009 में कवि कुमार ने निर्मल सोनी को रिप्लेस किया था। कवि कुमार आजाद के निधन से शो की पूरी टीम शोक में डूबी हुई है और इससे उबरने की कोशिश कर रही है। प्रोड्यूसर ने कहा कि कवि कुमार उन एक्टर्स में से थे जिन्हें अपने काम से बेहद प्यार होता है। वो तबीयत खराब होने के बावजूद भी शूटिंग के लिए आया करते थे। बता दें, 9 जुलाई को कार्डियक अरेस्ट की शिकायत के कारण कवि कुमार आजाद का निधन हो गया था और अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए निर्मल सोनी को डॉक्टर हाथी के रोल के लिए फाइनल कर लिया गया है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, निर्मल सोनी को डॉक्टर हाथी बने देख दर्शक कितना इम्प्रेस होंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।